हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रैंक सिमुलेटर की न्यू वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हमने बहुत कुछ किया था, जिसमें कि हमने पिग वगैरह बेचे थे, अपने सारे पिग मर गए थे, और पोर्क सॉस वगैरह बेचा था, मीट बॉल बेचा था, और ये देखो लास्ट टाइम में इधर ऐसे ही रह गया था, ये इसको रखना भी भूल गया मैं, और दोबारा इसमें नहीं आया मैं क्योंकि और नहीं बनाए थे अपने पास। इसको मैं रख देता हूँ इधर, और काफ़ी पैसा आ गया था अपने पास लास्ट टाइम, इसलिए अपन बहुत कुछ लेके आए थे, और बस उसको अनलोड नहीं किया मैंने अभी तक। मैंने सोचा वीडियो में अनलोड करेंगे, तो चल के इसको करते हैं अनलोड ही। और इसके इधर रखने की ज़रूरत नहीं है वैसे मेरे को, मैं बहुत सारे लेके आया हूँ, बहुत सारे क्या कुछ ज़्यादा ही हैं अपने पास, 15 हैं जो कूलर है, तो उसमें रखेंगे इनको। तो एक बार मैं टेम्परेरी यहाँ पे रख देता हूँ। मैंने इधर रख दिया, ये सब भी हो गए, इतने ही थे अपने पास जो बचे हुए हैं, बाकी बाद में बनाएंगे। और अपने पास इधर एग पड़े हैं, और ये अपनी मशीन जो पुराने वाली लगी है, अभी इनको पैक करने का टाइम आ गया है कि हम लेके आए इलेक्ट्रिक वाली, तो इनको एक साइड में रखेंगे। और ये अपना कल जो लेके आए थे वो सब इधर है, अपने तो बहुत सारे कूलर है, और ये भी की जो बैग है मैंने कुछ डाल दिए हैं उनको। और ये देखो कल जब मैं डालने आया था ना, तो ये कुछ मुर्गियाँ मर गई थी, अभी तक यहीं पर है। तो कल जो खाना डालने आया था तब भी मैं लेट हो गया था, तो अपनी कुछ मुर्गियाँ और मर गई, इधर भी मरी है, इनको बाद में उठाएँगे। फिलहाल तो पहले मुझे ये दोनों चीज़ें उतारनी है, इसको मैं इधर रख देता हूँ, और इसको लेके चलते हैं सबसे पहले। तो इसको लगाते हैं, इसको नीचे लगाना पड़ेगा, बहुत बड़ी है वैसे तो। ओके, इसको उठा के साइड में इधर रख देते हैं, इसको भी उठा के इधर रख देते हैं। ओके, तो इसको इस तरह से रख देते हैं, इस तरह रखेंगे इसको। और अब दूसरी लेके आते हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक है, तो अपने को बस ई प्रेस करना है और ये अपने आप काम चालू कर देंगे। पहले अपने को हाथों से रखना पड़ता था, उसको घुमाना भी पड़ता था। आई थिंक ये नीचे आएगा, और इसमें से वो जले हुए रहते हैं सोचते, जो वो निकलते हैं इसमें से। ओके, इसको इधर रख देते हैं ऐसे करके, इसको मैं इधर रख देता हूँ ताकि वो इधर से इस तरफ ये इस जगह पे इकट्ठा होते जाएंगे ऐसे। और इसको हम इधर नीचे रख देते हैं, मेरे को ये एक बास्केट उठानी पड़ेगी यहाँ से, और इसको अभी यहाँ पे रख देते हैं, और ये भी आएगा। ओके, ये दूसरी साइड रख दिया मैंने। ओके, ऐसा आएगा ये, और ये आएगा इसके नीचे। ओके, तो इस तरह इसमें बनाएंगे, इसमें डालेंगे, इसमें से निकाल के इसमें डालना, और यहाँ बन जाएगा बस। ठीक है, तो इनको साइड में रख देते हैं एक बार, लेकिन ऐसे नहीं रख सकते, इनको ऐसे साइड में रख देंगे। तो अभी पहले कूलर लेके चलते हैं अंदर, और इसमें जो डला है ना ये सब कूलर में रख देते हैं। तो गाइस, मैंने ये सब इसमें डाल दिया जितना भी था, ये एक में पूरा नहीं आया, दूसरे में भी कुछ डाल दिया। तो अब इसको करते हैं बंद, और ये अपने लगा दिया, इसका काम अभी तो नहीं है अपने पास, क्योंकि तो मैंने कल सारे पिक का जो था रो मीट था वो बेच दिया। तो अभी ये मुर्गी को भी बाद में उठाएंगे, सबसे पहले बनाते हैं बार्न हाउस, और इसकी तो कुछ खास रह नहीं गया इसमें, यही था मेन चीज़ें। तो इनको अभी अंदर रख के आता हूँ मैं, गैस पर रख के आते हैं इनको, गैस पे इनके लिए जगह अच्छी बनी हुई है, वो देखिए दोनों वहाँ पे आ गए। इस एक बास्केट को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और अपने पास एक और पैन बाकी है अभी, इसको भी लेके चलता हूँ मैं, और इसको इधर ही रख लेते हैं एक बार, तो बाद में सही कर लेंगे।
और अभी ये जितना भी सामान है ये सब बार्न हाउस में जाएगा इन कूलर के अलावा। तो इन कूलर्स को मैं साइड में एक बार इधर रख देता हूँ। तो गाइज मैंने सब कूलर को इधर रख दिया है। तो गाइज मैं यहाँ पे आ चुका हूँ बांध बनाने के लिए। फिलहाल अपना लेते हैं जो बिल्ड करने का एक साथ में लेते हैं और बिल्ड करते हैं। यहाँ पे हमें बनाना है एक बांध जो कि 900 डॉलर का है। तो ये बांध अपना बनेगा, ये ऊपर देने हट के जाता है। ओके इसको बिल्ड कर ही देते हैं। ठीक है यहाँ से कुछ ग्रास वगैरह जो रिमूव करना पड़ेगा। ओके यहाँ से यहाँ तक ग्रास रिमूव करना है अपने को, वो मैं कर लेता हूँ फटाफट। तो गाइस मैंने यहाँ की सारी ग्रास हटा दी है, तो अभी बिल्ड कर लेते हैं इसको। और ये हो गया अपना बिल्ड, और इसको अभी अपने को कंप्लीट करना होगा क्योंकि ये सिर्फ इसका एक यहाँ पे बना है कि अपन को कैसे कैसे कहाँ पे लगाना है। तो फटाफट लगा लेते हैं। मैं लकड़ी वगैरह प्लैंक बना के लेके आता हूँ, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है तो मैं फटाफट लेके आता हूँ। तो गाइस फाइनली मैं प्लैंक लेके यहाँ पर आ चुका हूँ, और इसमें मेरे को एक दिन लग गया, पूरा एक दिन से ज़्यादा ही लग गया क्योंकि तो मेरे को पेड़ काटने वहीं से काट के मैंने लिए हैं, जो इधर कटे हुए हैं वो उधर ही रखे हैं। तो फटाफट इसको बिल्ड करना करते हैं शुरू। और ये फाइनली लगाया अपने प्लैंक दूसरा, और ये तीसरा। ऐसे लग रहा है ये बहुत जल्दी बन जाएगा क्योंकि एक प्लैंक से बहुत ज़्यादा बन जाता है ये। ये बन गए बीच वाले पिलर। और इसके बाद हम लेके आने वाले हैं इसमें सबसे पहले तो काउ लेके आएंगे, और अगर पैसे बचेंगे तो थोड़ा और वीट लेके आएंगे पहले तो काउ के साथ, उसके बाद देखेंगे अगर पैसे बचे तो हम लेके आने वाले हैं ट्रक। तो देखते हैं अपने पास कितने पैसे बचेंगे। तो नेक्स्ट डे की शाम होने को आई है, मेरे को बहुत टाइम लग गया ये प्लैंक बनाने में, और ये मैंने नीचे फेंक दिए गलती से, आज से गिर गई है। कोई बात नहीं, उनको उठाते हैं और फटाफट लगाते हैं। लग जा, लग क्यों नहीं रहे। ओके यहाँ पे लगा देते हैं पहले। तो गाइज अपना बान आज रेडी होने वाला है, बस कुछ से रह गया, मैं लगा देता हूँ इनको भी फटाफट। और ये लगाए ये 3 प्लैंक और लगेंगी और अपना बान आज कंप्लीट। तो चलते हैं और उसको कहते हैं फटाफट कंप्लीट। ये 2 और ये 1, और ये हो गया अपना बान आज कंप्लीट। लेकिन ये काफ़ी छोटा है और इसके गेट वगैरह भी लगाने हैं अभी, तो वो मैं लगा देता हूँ। पहले तो ये गेट लगाते हैं, उसके बाद ये, और उसके बाद ये लगा देते हैं, और ये भी लगा देते हैं इसमें फीडिंग के लिए। और अभी इसको बड़ा भी कर देते हैं, अगर इसको बड़ा भी कर देना चाहिए। और यहाँ पे बहुत कुछ बनाने का ऑप्शन आ गया, तो सबसे पहले तो मैं ये बनाऊंगा क्योंकि तो ये बहुत काम की चीज़ है। इसके बाद देखते हैं आगे, तो इसको बड़ा भी करना है तो यहाँ पे भी ये बना देते हैं।
ओके, तो इसको बनाने के लिए भी प्लैंक लगेंगे। अपनी गाड़ी अंदर रह गई, तो फटाफट गाड़ी का मैं लेके चलता हूँ और बनाते हैं फिर। गाड़ी को यहाँ पे लेके आ चुका हूँ, सबसे पहले इसे लगाएंगे। और अभी ये भी बन जाएगा। तो दो प्लैंक और लगेंगे और अपना बोनस बड़ा भी हो जाएगा, तो मैं इसके बाहर ही रहता हूँ इस टाइम। और ये अपना बोनस हो गया बड़ा। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, अभी तो अपने पास पैसे हैं, बाद में और आ जाएंगे तो फिर देखेंगे क्या करना है। या पहले फीडिंग का कर लूँ, फीडिंग का कितने में देख लेता हूँ, सिर्फ 250 में है। ओके, पहले फीडिंग का कर लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ अपने को पैसे डालने हैं, फिर अपने आप करेंगे यहाँ पे। तो इधर मैं इसको भी बना देता हूँ, तो ये बन गया। और अभी ये कितने लेगा, 125 ले रहा है, तो इसको भी बना देते हैं। ओके, तो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, तो फटाफट मैं इसको भी कर लेता हूँ। तो भाई अपने प्लान कराए एकदम, तो मैं वहाँ से फटाफट उठा के लाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे बनाए थे। तो गाइस मैं प्लैंक लेके आ चुका हूँ, तो फटाफट ये भी पूरा कर देते हैं, इतना बाकी है इसको भी।
ये बार हाउस अपना होने वाला है कंप्लीट, और ये हो गया और भी बड़ा, तो और होगा क्या? ये और भी बड़ा होता है लेकिन अभी नहीं करेंगे, इतना इनफ है एक बार के लिए अपने लिए। तो ये इधर ही खड़ा एक बार, तो और इसमें मैं डाल देता हूँ $300 लगेंगे। ओके ये फिल हो गया, आपको दिखाता हूँ इससे क्या होता है। ये देखो ये अपने आप फिल हो जाता है 300 में, और इसमें इतना ही डलता है। तो अगर इसके अंदर हम और भी कंपार्टमेंट ऐसे बना देंगे तो वो भी फिल हो जाते हैं उससे। तो लेकिन अभी हम नहीं बना रहे, वो इसको ओपन रहने देते हैं पूरा, और मैं इस डोर को ओपन कर देता हूँ और इसको क्लोज कर देते हैं। और अभी शाम रात होने वाली है अभी, और इनका खाना चेक कर लेता हूँ मैं। ओके इनका खाना ख़त्म, भाई कितनी जल्दी खा जाती है ये। इनका फीडर भी बना दिया था मैंने, इनका ये भी डाल देता हूँ मैं उधर। इसको ट्रेलर को उधर लेके चलते हैं, और ये गाड़ी टूट गई, कंट्रोल जी दबा दिया मैंने एच की बजाय। तो अभी ये ट्रेलर हो गया अटैच, ये यहाँ से तो नहीं निकलेगा आई थिंक। तो ये गाड़ी कहाँ चढ़ा दी भाई मैंने, अंधेरा हो गया मेरे को लग रहा है, पहले सो जाना चाहिए, लेकिन इनको खाना डालना ज़रूरी है तो पहले डाल देते हैं, उसके बाद रुके सोएंगे, वरना ये पहले से बहुत सारी मर गई है और ये बाकी मर जाएंगी। तो बाहर कैसे आ गई, इनका भी सोने का टाइम हो चुका है, ये भी सोने वाली है। एक बार के लिए इतना ही इनफ है, बाद में डालते हैं इनको भी, सुबह हो जाएगी जब, पहले चल के सोते हैं। और अपने को अपना घर भी अपग्रेड करना पड़ेगा अब मेरे को लग रहा है, क्योंकि अपना ये घर अभी छोटा रहेगा अपने को, तो इसको भी देखते हैं, पहले सो जाते हैं। तो गाइस हो चुकी है सुबह, चल के अपने पहले तो बान में चलते हैं, और उसके लिए अपने को लेके आनी है काऊ पहले। तो इनका फीड तो ये तो भर दिया था मैंने, लेकिन वाटर का इनका दिक्कत है थोड़ा सा, तो वाटर भी मैं डाल देता हूँ। इसको बाहर आने की बहुत जल्दी है, तो अंदर चलो सबके साथ, और मैं वाटर यहीं से ले लेता हूँ। अब बहुत सारे हो गए, अपने को वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो मेरे को लग रहा है ये लेके आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कुएँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ऐसा करने में, और वाटर कुएँ से लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए पहले तो मैं इस पर लाइट ऑफ कर देता हूँ और इसको लेके चलते हैं साइड में करता हूँ पहले। यहाँ पे फीडर की ज़रूरत नहीं है, तो ये मैं वहीं पर रख देता हूँ ये फीड सारा, तो इसको इधर ही रख देते हैं। और ये क्राउच पता नहीं क्यों कर लेता है हर बार, तो पहले ओपन करते हैं और इसके बाद फटाफट मैं नीचे उतारता हूँ। और ये बाहर कैसे आई, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ फटाफट, मैं सबको यहाँ पे रख देता हूँ। तो गाइज मैंने सारा फीड यहाँ पे रख दिया है, तो अभी काऊ लेके आते हैं, अपने पास है 4700। तो आई थिंक इसको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं एक बार इधर रख देता हूँ बकेट को, ये मिल्क के लिए ली गई है, तो वोट तो नहीं डालेंगे इनमें, और ये मिल्क पेन भी बाद में उठा लेंगे। और इस गाड़ी में एक काऊ आएगी आई थिंक एक बार में, तो मेरे को इसमें भी टाइम लगने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ ट्रक ले लूँ, लेकिन अगर ट्रक लूँगा तो पैसे कम पड़ जाएंगे अपने को, तो पहले काऊ लेके आते हैं, ट्रक को बाद में लेंगे, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। और मैं तो ट्रेलर को यहीं पे खड़ा कर देता हूँ, तो चलते हैं पहले काऊ लेके आते हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं स्टोर पे, और अपने पिक भी आई थिंक 4-5 दिन के हो गए हैं, 4 दिन के हुए होंगे,
तो इनका मैं वाटर देख लेता हूँ, मेरे को ये वैसे भी हटाने ही पड़ेंगे। खाओ का यहाँ से बाहर निकालना है, और इनका वाटर हो चुका है ख़त्म। बस एक बकेट में, दो बकेट में थोड़ा थोड़ा है, तो ये इसमें से रिंदर रख देता हूँ मैं, और यहाँ पे और वाटर ले लेते हैं। तो ये बकेट साइड में हट गए। ओके, इसको बकेट को मैंने ये भर दिया, तीनों बकेट भर जाएगी, तो ये तीसरी भी भर गई, इसको भी इधर रख देते हैं। ओके, अब इसका परचेज करते चल के। तो काओ एक लेंगे ये वाली, पहले इसको लेके चलते हैं। तो ये दो को क्रॉस नहीं करती, इसलिए ये भी हटाना पड़ेगा। इस तरह लेके आते हैं, उसके बाद इसको वापस लगा देते हैं। ओके, अभी इसको इसके अंदर रख देते हैं, और ये एक ही आती है, तो मैं एक और लगा देता हूँ ताकि ये बाहर नहीं आ पाए। और मैं ऐसे ही फटाफट लेके चलता हूँ काउ को, और मैं देखता हूँ दो लेनी है या तीन काउ लेनी है। तो भाई, अपनी पहली काव का मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ, और गेट खुला है, तो गाड़ी को सीधा अंदर एंटर करवा लेते हैं। इस काव को नीचे उतारते हैं और इसको लेके चलते हैं अंदर। ये छोड़ते ही बाहर की तरफ भागती है, तो चल के एक और लेके आते हैं। तो गाइस, मैंने तीन और काउ परचेज कर ली है, दो व्हाइट कलर की और एक वही, दोनों कलर की है जो, तो इनको फटाफट मैं लेके चलता हूँ घर। अपने पास हो जाएंगी टोटल चार काव। तो गाइस, फाइनली मैं चारों काव को इधर लेके आ चुका हूँ। देखो, ये एक है, और ये दूसरी है, और ये दो वाइट है। अपने पास टोटल चार काव है, तो इनका सबसे पहले मैं मिल्क निकाल लेता हूँ। तो मेरे को उसके लिए बकेट और एक कैन लेके जाना पड़ेगा, तो मिल्क कैन को मैं इधर रख देता हूँ। और तो बाहर कहाँ आ रही, अंदर चल। तो फटाफट मैं मिल्क निकाल लेता हूँ सबका। वैसे मेरे को दोनों बकेट लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को पता नहीं चलेगा मैंने कौन सी निकाला, फिर दो दो हैं तो इधर उधर हो जाएगी। फिलहाल तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बाद में ज़्यादा दिक्कत आती है जब बहुत सारी होती है। तो लेकिन हम अभी से इसको ऐसे यूज़ किया करेंगे। और शाम हो गई है, रात भी होने वाली है, तो इसको मैं इसके नीचे पहले इसका निकाल लेते हैं। तो मैं फटाफट निकाल लेता हूँ मिल्क, के बाद इनको डाल देंगे मिल्क कैन में।
तो गाइस सबका मैंने मिल्क निकाल लिया है और अपने पास टोटल हो गया 48 लीटर। तो इसको ऐसे बंद नहीं करते, भरने के बाद बंद करेंगे। तो ये अपना फिर खाती रहेंगी। और अपने का हो गया सोने का टाइम, तो पहले चल के सो लेते हैं। तो गाइस हो चुकी है नेक्स्ट सुबह, और सुबह भी इनका मिल्क हमें निकालना पड़ेगा। तो मैं मिल्क निकाल लूँगा बाद में। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। और ये बारिश भाई बहुत ज़्यादा नहीं होने लग रही है अपने वर्ल्ड में, जब देखो बारिश ही होती रहती है। तो गाइस जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।